चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि शेर अवाम का खून चूसता है, इसे चौथी बार वजीर अजम नहीं बनने देंगे और इसका रास्ता रोकेंगे। बदीन में अवाम जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी मुल्क भर में जद्दोजहद कर रही है। 8 फरवरी को अवाम की हुकूमत बनने चाहती है और मुल्क में अवामी राज कायम हो। इनका कहना था कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमायत है जो इलेक्शन लड़ रही है और मुहिम चला रही है। एक साहिब चौथी बार वजीर अजम बनना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास कोई मंशूर नहीं। हम अवाम की ताकत पर और वो साजिशों पर यकीन रखते हैं जो नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं। वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्हें गरीब अवाम की कोई फिक्र नहीं, सिर्फ चौथी बार वजीर अजम बनने की फिक्र है। चेयरमैन बिलावल पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था कि जब भी ये शख्स आप पर मुसलत किया गया, नुकसान पाकिस्तान के अवाम का हुआ। ये वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है। इलेक्शन में सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे का मुकाबला कर रही है। हम इसे चौथी बार वजीर अजम बनने नहीं देंगे, इसका रास्ता रोकेंगे। उन्होंने मजीद कहा, पीपल्स पार्टी का 10 नुकाती एजेंडा माशी मसाइल का हल है। हुकूमत मिली तो गरीब अवाम को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दूंगा। 20 लाख पक्के घर सैलाब मुतासरीन के लिए बना रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट में इजाफा और गरीबों को बुला सूद कर्जे दिलवाएंगे। हुकूमत में आए तो किसानों को हारी कार्ड देंगे। हारी कार्ड से किसान की फसल की इंश्योरेंस भी होगी।